फ्रेंड्स वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। फ्रेंड्स पिछले 5-7 महीने से देखने में आ रहा है कि जब आप न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो आप BACS के पास करते हैं या फिर TPDDL के पास, आपके कनेक्शन की जो एप्लीकेशन होती है ना, उसमें जो डिस्कॉम कंपनियाँ होती हैं एक ऑब्जेक्शन लगा दे रही है, और इस ऑब्जेक्शन में NOC की डिमांड कर रही है DDA के द्वारा। भाई 5-7 महीने पहले तो ऐसा नहीं होता था। अब आपका सवाल यहाँ पे ये होगा कि भाई मेरे पास तो एक मीटर ऑलरेडी लगा हुआ है, दूसरे मीटर में ऐसा क्या हो गया कि मेरे को कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, या फिर आप बोलेंगे मेरे पड़ोसी ने तो लगवा लिया है, मेरे पड़ोसी के यहाँ तो लगा हुआ है, मेरा क्यों नहीं लग रहा। आप लोग जो बिजली कंपनियों से इस बात को लेकर आर्गूमेंट करते हैं, जायज सी बात है, हर कोई करेगा, भाई मेरा एक मीटर लगा हुआ है, दूसरे मीटर पर मेरे को ऑब्जेक्शन कैसे लगा दिया गया आपने, तो जायज बात है। मेरे पड़ोसी के यहाँ लगा है, मेरे से ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट्स मांग लिया गया, DDA का NOC पड़ोसी से तो मांगा नहीं, मेरे से क्यों मांग रहे हैं। तो ये सब दिक्कतें हैं, ये सब प्रॉब्लम आ रही हैं, जो कि आज से 6 महीने पहले नहीं आती थी। DDA के NOC की कहीं भी डिमांड नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि डिस्कॉम कंपनियां आपसे DDA की NOC की डिमांड कर रही हैं, जिसके कारण से काफी लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिलना एक डिफिकल्ट सा वर्क हो गया है। जब आप न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है तो आपके पास एक मैसेज आता है, योर एरिया इज नोटिफाइड अंडर DDA लैंड पोलिंग पॉलिसी। ऐसा क्यों आ रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन है? फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ऐसा हो ही क्यों रहा है कि आपसे DDA के NOC की डिमांड की जा रही है। पहले तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि रीज़न जानेंगे तभी तो उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। पहले कॉज जानना जरूरी है, ऐसा क्यों हो रहा है। फ्रेंड्स 21 जून 2023 को DDA के हेड ऑफिस विकास सदन में एक मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था दिल्ली की बिजली कंपनियों ने, यानी डिस्कॉम ने। दिल्ली की बिजली कंपनियों को डिस्कॉम बोलते हैं, चाहे TPDDL हो गया या फिर BACS हो गया। तो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था दिल्ली की बिजली कंपनियों ने, और इस मीटिंग को हेड किया था DDA लैंड पोलिंग कमिश्नर मिस्टर तारिक थॉमस ने, और इस मीटिंग का जो सब्जेक्ट था वह सब्जेक्ट था इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन लैंड पोलिंग एरिया। तो लैंड पूलिंग एरिया हम बार बार सुन रहे हैं, तो थोड़ा ये जान लेते हैं कि आखिर लैंड पूलिंग है क्या। फ्रेंड 2018 में DDA ने एक स्कीम चलाई थी, लैंड पूलिंग स्कीम, जिसके अंतर्गत दिल्ली के किसानों की ज़मीनें DDA लेके उसको डेवलप करेगा, दिल्ली के किसानों से ज़मीन लेके DDA डेवलप करेगा। तो इसमें काफ़ी किसानों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया, काफ़ी किसानों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं भी किया, उनकी अपनी अलग डिमांड थी। वह कह रहे थे यह पॉलिसी जो है दिल्ली के किसानों के खिलाफ में बनाई गई है। तो इस टाइप से काफ़ी इसमें अभी दिक्कतें हैं। अभी 5 साल होने को आया है, लेकिन DDA की लैंड पूलिंग पॉलिसी अभी उतनी सक्सेस होती दिखाई नहीं दे रही है जितने DDA ने एक्सपेक्ट किया था। तो लैंड पूलिंग पॉलिसी यह है बेसिकली किसानों की ज़मीनों को पूल करना, उनको DDA के पास रखना, और DDA उसको डेवलप करेगा, और उसके बदले उनको मुआवजा तो खैर दिया ही जाता है, वो अलग बात है। तो बेसिकली यह है लैंड पूलिंग पॉलिसी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में दिल्ली के 105 गांवों को शहरीकृत कर दिया था, उनको अर्बनाइज कर दिया था, अर्बनाइज घोषित कर दिया था। तो इन 105 गांवों को अर्बनाइज घोषित करने के बाद जो इन गांवों में सुविधाएं, जो फैसिलिटीज दिल्ली गवर्नमेंट देती थी, तो शहरीकृत होने के कारण वह फैसिलिटी अब DDA के हाथों में आ गई। तो इन 105 गांवों को जो बिजली के कनेक्शन भी देने थे ना, वो भी DDA के हाथ में आ गया। कहने का मतलब कि जो बिजली के कनेक्शन बिजली कंपनियां देंगी, उसके लिए NOC DDA देगा, तब जाके उन 105 गांवों में बिजली के कनेक्शन लगेंगे। पहला तो कारण ये आपके सामने है कि इन 105 गांवों में बिना DDA की परमिशन के, बिना DDA के NOC के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, दिल्ली में लगभग 1750 के आसपास कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो कि अनऑथराइज हैं। तो बहुत ज़्यादा, लेकिन 1750 में इसलिए बोल रहा हूँ, लगभग 1750 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि DDA की PM उदय योजना के अंतर्गत ये कॉलोनियाँ अनऑथराइज हैं, लेकिन यहाँ पे मालिकाना हक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है DDA की PM उदय योजना। तो 1750 कॉलोनीज अनऑथराइज हैं जो कि DDA की PM उदय योजना के अंतर्गत कवर्ड होती है। तो DDA की जो मीटिंग हुई थी डिस्कॉम कंपनियों के साथ, बिजली कंपनियों के साथ, उसमें DDA ने बोला था कि जो PM उदय योजना के तहत आने वाली कॉलोनीज जो हैं उनमें आप बिजली के कनेक्शन दे सकते हैं, वो भी बिना DDA के NOC के। लेकिन जो 105 गांव मैंने अभी आपको बताए हैं, जो कि 2017 में अर्बनाइज कर दिए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा,
उसमें यदि बिजली का कनेक्शन कोई अप्लाई करता है तो बिना DDA की NOC के वह बिजली का कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा DDA ने इन बिजली कंपनियों को यह क्लियर कर दिया कि जहां पे DDA की डेमोलिशन ड्राइव चलेगी, यानी कि जहां पे DDA तोड़फोड़ करता है, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की तोड़फोड़ करता है, वहां पे उस एरिए में कोई भी बिजली कंपनी अपना कनेक्शन नहीं देगी, यानी बिजली का न्यू कनेक्शन नहीं देगी। जैसे कि बुराड़ी में, अभी बुराड़ी में आपको पता ही है कि DDA की डेमोलिशन ड्राइव चल रही है, तो वहां पे बिजली के कनेक्शन मिलने बंद हो गए हैं। वहाँ पे DDA ने साफ साफ बोला है कि ऐसी जगहों पे विदाउट DDA के NOC के आप कनेक्शन नहीं देंगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं मिलेगा। DDA ने इस मीटिंग में इन बिजली कंपनियों को साफ साफ कह दिया कि यदि DDA की गाइडलाइंस को वायलेट करके यदि आप बिजली के कनेक्शन देते हैं और इसके कारण इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होता है, एनक्रोचमेंट होता है, तो उसके जिम्मेवार जो होंगे ना आप होंगे, आपका मतलब है डिस्कॉम कंपनी होगी, मतलब बिजली कंपनियां इसकी जिम्मेवार होगी, वह रिस्पॉन्सिबल होगी कोई भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन या एनक्रोचमेंट की। क्योंकि भाई कोई भी बंदा घर वहीं पे बनाएगा ना जहां पे उसको उम्मीद होगी बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा, नहीं तो दिल्ली जैसे शहर में बिना बिजली के कनेक्शन के कोई रहेगा कैसे? तो बिजली कनेक्शन ही नहीं मिलेगा तो वहां पे एनक्रोचमेंट भी नहीं होगा, वहाँ पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा। तो DDA ने साफ साफ जो बोला है इनको, तो यही एक लाइन जो है डिस्कॉम कंपनियों को परेशान कर रही है कि जिम्मेवार आप होंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी और DDA आपके अगेंस्ट में एक्शन लेगा। तो यही एक लाइन इन कंपनियों को परेशान कर रही है, जिसके कारण से यदि आपका कनेक्शन लीगल भी है, यानी कि जो आप बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वह PM उदय के तहत आने वाली कॉलोनियों में है या फिर आपके मकान की रजिस्ट्री हुई पड़ी है, तब भी ये डिस्कॉम कंपनियां एक ऑब्जेक्शन लगा दे रही हैं कि भाई DDA का NOC लेके आओ, क्योंकि ये कंपनियां जो है एक सेफ साइट लेना चाह रही हैं। उनको पता है कि यदि कुछ भी हुआ, गलती से भी गलती हो गई, तो उसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इनलीगल कंस्ट्रक्शन और एनी एनक्रोचमेंट, यही इनको परेशान कर रही है। इसलिए आपका जब कनेक्शन के लिए वैलिड भी है, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है बिल्कुल वैलिड है, आपकी कॉलोनी PM उदय योजना के तहत आती है, अर्बनाइज्ड हुए 105 गांव के अधीन नहीं आते हैं आप, उसके अलावा आपके यहाँ पे DDA की कोई डेमोलिशन ड्राइव नहीं चल रही है, तब भी आप परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनियाँ जो हैं सेफ साइड ले रही हैं, वो सीधा आपको बोल देंगे कि DDA का NOC लाओ, और आप NOC के लिए परेशान हो रहे हैं, क्या करेंगे आप? NOC के लिए भटकते रहेंगे DDA के ऑफिस में, इधर उधर धक्के खाते रहेंगे, NOC नहीं मिलेगा, NOC नहीं मिलने वाला, अब जितने मर्जी परेशान हो जाइए 99.99% आपको NOC नहीं मिलेगा DDA की तरफ से, यदि आप दिल्ली की किसी भी अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं तो। हाँ, यदि PM उदय योजना के तहत आपको कन्वेंस डीड मिल गई है, तब आप NOC के लिए DDA के पास अप्लाई भी कर सकते हैं और आपको NOC मिल भी जाएगा। लेकिन ऐसे DDA आपको NOC नहीं देगा, बहुत मुश्किल है, मुश्किल काम है, बहुत मतलब क्रिटिकल वर्क है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं DDA की जो इन डिस्कॉम कंपनी के साथ मीटिंग हुई थी उसका जो लेटर है DDA ने पब्लिश किया था, उसमें पहले क्या लिखा है, फिर जानने का प्रयास करेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह है DDA का लेटर, जिसमें DDA और बिजली कंपनियों के बीच में हुई मीटिंग के बारे में जानकारी दी हुई है। आप देख सकते हैं यह लेटर है 26 जून 2023 का, लेटर का रेफरेंस नंबर यह है। सब्जेक्ट है मिनट्स ऑफ मीटिंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कमिश्नर लैंड पूलिंग ऑन डेटेड 21 जून 2023 एट 3 PM फर्स्ट फ्लोर विकास सदन रिगार्डिंग द सैंक्शनिंग ऑफ न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन लैंड पूलिंग एरिया। यानी कि लैंड पूलिंग एरिया में न्यू जो भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सैंक्शन किए जाएंगे उसके रिगार्डिंग यह मीटिंग हुई थी विकास सदन में, जिसको चेयर किया था लैंड पूलिंग कमिश्नर ने। देखते हैं इस लेटर में क्या लिखा है, ताकि आपको क्लियर हो सके कि क्यों DDA का NOC मांगा जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए। पूरा लेटर नहीं पढ़ेंगे हम, जो मेन चीजें हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एज पर डिसीजन इन द मीटिंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल मेंबर DERC ऑन 16/6/2023 ए मीटिंग ऑफ पावर डिस्कॉम्स इन दिल्ली वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर तारिक थॉमस कमिश्नर लैंड पूलिंग ऑन 21 जून 2023 एट 3 PM इन विकास सदन रिगार्डिंग द सैंक्शनिंग ऑफ न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन लैंड पूलिंग एरियाज। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाई द ऑफिसर्स ऑफ BRPL एंड टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। द लिस्ट ऑफ अटेंडेंस इज एनक्लोज एट द एनेक्सर ए।
यानी कि जो मीटिंग हुई थी उसमें BRPL यानी कि जो BSES यमुना और BSES राजधानी है उसके मेंबर्स वहां पे थे और TPDDL यानी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के मेंबर भी वहां पे थे। इस मीटिंग में डिसीजन क्या लिया गया वह देखते हैं, बाकी ये सब चीज़ें आप खुद भी पढ़ लेना एक बार। मैं वीडियो को स्लो कर दे रहा हूँ, अब आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना कि क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। हम मेन बात करेंगे यहाँ पे क्या डिसीजन लिया गया। पहला डिसीजन, DDA विल शेयर द डिटेल्स ऑफ एरिया कंसर्न स्पेसिफाइंग आबादी PM उदय कॉलोनीज विद इन लैंड पूलिंग एरिया वेर इन द डिस्कॉम्स कुड कंटिन्यू टू फॉलो देयर एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल फॉर न्यू कनेक्शन। यानी DDA जो है डिस्कॉम्स के साथ, डिस्कॉम्स मतलब बिजली कंपनियों के साथ, PM उदय में आने वाली कॉलोनीज की डिटेल जो है शेयर करेगा ताकि बिजली कंपनियां जब बिजली का कनेक्शन दे तो उनको पता रहे कि हाँ भाई ये कॉलोनी जो है PM उदय योजना के तहत है। फॉर न्यू कनेक्शन ऑफ अदर एरियाज फॉलिंग विद इन द डेवलपमेंट एरिया ऑफ 105 अर्बनाइज विलेज नो न्यू कनेक्शन मे बी इशूड सिंस ऑथराइजेशन फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन इन दीज एरियाज would be issued by DDA subsequent to notification of the sector। इसके अलावा जो 105 गांव जो हैं जो कि अर्बनाइज्ड कर दिए गए हैं यानी शहरीकृत कर दिए गए हैं उसमें बिना DDA की NOC के कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। यानी कि इन 105 गांव में बिजली का कनेक्शन लेने के लिए आपको DDA का NOC ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी जो PM उदय के तहत जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं 1700-1750 के आसपास कॉलोनीज हैं उनमें बिजली के कनेक्शन के लिए DDA की NOC की ज़रूरत नहीं है। DDA उन कॉलोनीज की लिस्ट जो है डिस्कॉम कंपनियों के साथ शेयर कर देगा ताकि उनको कनेक्शन देने में दिक्कत ना हो। इसमें सेकंड पॉइंट है, एनी एरिया फॉर विच DDA अंडरटेक्स एनफोर्समेंट एक्शन अंडर सेक्शन 30 एंड 31 ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 वुड बी इंटीमेटेड टू कंसर्न डिस्कॉम्स एंड दे शैल विदड्रॉ एनी एग्जिस्टिंग एंड न्यू कनेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी और डेवलपमेंट ऑन द लाइन्स ऑफ व्हाट इज बीइंग फॉलोड फॉर MCD एरिया फॉर सच केसेस द इंफॉर्मेशन वुड बी फॉरवर्डेड बाय द LM डिपार्टमेंट टू द डिप्टी डायरेक्टर लैंड पोलिंग सेल पीतमपुरा DDA लैंड पोलिंग सेल हु इन टर्न विल फॉरवर्ड इट टू द कंसर्न डिस्कॉम्स थ्रू द मेल फ्रॉम द ईमेल ID डिप्टी डायरेक्टर। ये मेल ID दे रखी है, यानी कि DDA जहाँ पे एनफोर्समेंट एक्शन लेगा, कहने का मतलब कि जैसे अभी बुराड़ी में चल रहा है ना, DDA वहाँ पे एक्शन ले रहा है, वहाँ पे कॉलोनियों को तोड़ा जा रहा है, तो इस टाइप से यदि DDA कोई एक्शन लेता है, कोई एनफोर्समेंट एक्शन लेता है, कोई डेमोलिशन का काम करता है, ऐसी स्थिति में जो डिस्कॉम कंपनियाँ होंगी वह जो कनेक्शन दे रखा है वो भी कनेक्शन विदड्रॉ कर लेगी, यानी वह कनेक्शन भी काट देंगी। इसके अलावा न्यू कनेक्शन तो देना ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। जहाँ पे DDA का एनफोर्समेंट का वर्क होगा, जहाँ पे DDA डेमोलिशन ड्राइव स्टार्ट करेगा, तो वहाँ पे जो डिस्कॉम कंपनियाँ हैं उस एरिया में कनेक्शन नहीं देंगी। जैसे कि बुराड़ी में अभी कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, DDA की NOC की ज़रूरत है और DDA NOC देगा नहीं, तो इस टाइप से दिल्ली में हो रही एनक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन को स्टॉप करने के लिए DDA ने ये कदम उठाया है। इन केस ऑफ एनी डाउट ओवर एनी लोकेशन फॉलिंग विद इन आबादी और PM उदय एरियाज दे मे रेफर द केस टू द ऑफिस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर लैंड पोलिंग सेल DDA पीतमपुरा अपोजिट TV टावर दिल्ली 88 फॉर क्लैरिफिकेशन। यदि डिस्कॉम कंपनियों को कोई भी डाउट है, सपोज डेट आपने BSES या TPDDL के न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, आपका एरिया PM उदय कॉलोनी की लिस्ट में आता है, लेकिन डिस्कॉम को यानी कि आपकी बिजली कंपनी को डाउट है कि पता नहीं आ रही है उस एरिया में आता भी है कि नहीं आता, यानी कि PM उदय की लिस्ट में आती भी है कि नहीं ये कॉलोनी, यदि डिस्कॉम को थोड़ा भी डाउट है तो डिस्कॉम जो है इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन इन बिटवीन क्या हो रहा है, डिस्कॉम कंपनियाँ जो है वो आपको सीधा सीधा ये लिख दे रही हैं कि भाई DDA का NOC लाओ, वो खुद क्लैरिफिकेशन नहीं ले रही हैं, वो आपको बोल दे रही हैं भाई अब भटकते रहो, लाते रहो क्लैरिफिकेशन DDA का, DDA से NOC लाते रहो, इतना आसान है क्या DDA का NOC मिलना। तो डिस्कॉम कंपनियों को जहाँ भी डाउट है वहाँ पे DDA के NOC की डिमांड कर दे रही है। ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना यहाँ पे ध्यान से। ड्यूरिंग स्क्रूटनी इन एरिया वेयर नो कनेक्शन आर टू बी इशूड विदाउट फॉलोइंग द एवर प्रोसीजर इफ इट इज फाउंड एट द डेट ऑफ एनर्जाइजेशन इज आफ्टर द डेट ऑफ फर्निशिंग द एवर इंफॉर्मेशन द कंसर्न डिस्कॉम वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एनी अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन एंड एक्शन विल बी टेकन ऑन द डिस्कॉम एंड देयर इक्विपमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ DDA एक्ट।
फ्रेंड्स, यहाँ पे DDA ने साफ साफ बोल दिया है कि यदि डिस्कॉम कंपनियाँ इस लेटर के इशू होने के बाद कोई भी कनेक्शन ऐसा देती है जो कि अनऑथराइज कॉलोनी या इलीगल कॉलोनी, यानी कि जो PM उदय की लिस्ट से बाहर की कॉलोनी या जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे देती है, तो उसके लिए सीधे सीधे डिस्कॉम कंपनियों को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, उनको जिम्मेवार ठहराया जाएगा और ऐसे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के लिए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिसके कारण से डिस्कॉम कंपनियों की हालत खराब है। हालत खराब से मेरा मतलब है उनको डर है कि यदि एक भी गलत कनेक्शन चला गया, क्योंकि बिना बिजली के कनेक्शन के कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। रीज़न क्या है भाई, कोई भी अपना घर बनाएगा उसको मोटर चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए किसी भी तरह पड़ोसी से बिजली ले लूँ कि अपना घर बना भी देता है तो रहेगा कैसे बिना बिजली के, पड़ोसी जिंदगी भर थोड़े उसको बिजली देगा। तो जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, जो भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें सबसे बड़ा रोल रहता है एक बिजली मीटर का। DDA ने यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट सेंटेंस बोल दिया है कि यदि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, आपने ऐसी जगह बिजली का मीटर लगाया जहाँ पे DDA ने NOC नहीं दिया है, तो हम आपको जिम्मेवार ठहराएंगे। बस यही एक सेंटेंस है जो कि डिस्कॉम कंपनियों को परेशान कर रहा है और वे DDA की NOC की डिमांड कर रही हैं आपको न्यू कनेक्शन देने से पहले। बेशक उनको ये पता भी है कि यह कॉलोनी जो है PM उदय की लिस्ट में आती है या फिर आपकी रजिस्ट्री हुई पड़ी है, तब भी एक सेफ साइड लेते हुए डिस्कॉम कंपनियां DDA के NOC की डिमांड कर रही हैं। फ्रेंड्स, हमने यह तो जान लिया कि आपकी बिजली कंपनियां आपसे DDA का NOC क्यों मांग रही हैं, अब जान लेते हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाए। फ्रेंड्स, इस टाइप के प्रॉब्लम दिल्ली में मैक्सिमम अनऑथराइज कॉलोनीज के साथ आ रही है। तो आपकी जो कॉलोनी है PM उदय योजना के तहत में आती है कि नहीं, सबसे पहले तो आपको ये जानना है ना, उसके बाद ही आप उसका कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमारी कॉलोनी जो है PM उदय के तहत कवर्ड हो रही है कि नहीं, उसके बाद बात की बात करेंगे। पहले देख लेते हैं PM उदय योजना में कौन कौन सी कॉलोनीज आती हैं, उनकी लिस्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यह है दिल्ली की 1731 अनऑथराइज कॉलोनी की लिस्ट जो कि PM उदय योजना के अंडर में आती है। ठीक है, PM उदय योजना के अंडर में आती है 1731 कॉलोनीज हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये दिल्ली की सभी अनऑथराइज कॉलोनी की लिस्ट है। ठीक है, 1731 कॉलोनीज टोटल यहाँ पे हैं जो कि PM उदय योजना के तहत आती हैं और ये सारी की सारी अनऑथराइज कॉलोनी है और इन कॉलोनीज में बिजली का मीटर लगाने में डिस्कॉम को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना ही DDA का NOC की ज़रूरत पड़ेगी इन कॉलोनीज में। आप यहाँ पे अपनी कॉलोनीज का नाम सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्च में जाके कोई भी आपकी कॉलोनी है उसका नाम आप सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉलोनी PM उदय की लिस्ट में है या नहीं है। यदि आपकी कॉलोनी PM उदय योजना के तहत कवर्ड होती है तो आपको कनेक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज आपको कनेक्शन मिलना बहुत मुश्किल है। जो कि अभी भी नई नई कॉलोनियाँ दिल्ली में बस रही हैं, जैसे कि टीकरी बॉर्डर के आसपास या फिर सिंधु बॉर्डर के आसपास, तो वे लोग सोच समझ के ही वहाँ पे घर लें, नहीं तो प्रॉपर्टी डीलर तो ये बोल देंगे हाँ भाई बिजली का मीटर लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, बहुत मुश्किल है। फ्रेंड्स, यदि आपकी कॉलोनी PM उदय योजना के तहत आती है, यानी PM उदय के अंडर में कवर्ड होती है और आपकी डिस्कॉम कंपनी आपसे DDA का NOC मांगती है, तो सबसे पहले आपको अपनी डिस्कॉम कंपनी को सेटिस्फाई करना होगा कि भाई मेरी कॉलोनी जो है PM उदय योजना के अंडर में आती है और मुझे DDA के NOC की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि DDA के इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि PM उदय योजना के तहत आने वाली कॉलोनी के लिए आप DDA की NOC नहीं मांगेंगे या फिर DDA की NOC की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि DDA यह लिस्ट जो है खुद डिस्कॉम कंपनियों को देगा। आप अपनी लिस्ट में चेक करो और भाई मुझे कनेक्शन दो, कनेक्शन आप कैसे रोक सकते हैं। यह सेटिस्फेक्शन आपको कराना है उन डिस्कॉम कंपनियों को, DDA नहीं कराएगा, आपको सेटिस्फेक्शन कराना है। इसके लिए कई स्टेप हो सकते हैं। पहला स्टेप, आपको इन डिस्कॉम कंपनियों को मेल करना होगा। जब आप मेल करेंगे ना, कौन कौन से मेल आईडी पे करेंगे और किसको CC करेंगे यह सब जानते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपकी कॉलोनी PM उदय की लिस्ट में आती है या फिर आपकी कॉलोनी या फिर आपका एरिया जो है उसमें रजिस्ट्री ओपन हुई पड़ी है, उसमें आप रजिस्ट्री आपने करा रखी है, फिर भी आपको यदि डिस्कॉम कंपनी की तरफ से ऐसा NOC की डिमांड आए तो आपको क्या करना है, सिंपली आप समझ लीजिए। कई स्टेप में आप वो चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डिस्कॉम कंपनी को मेल करना होगा। क्या करना होगा? मेल करना होगा।
अब मेल किस पे करना है आप देख लीजिए फ्रेंड्स। यदि आपको BSES का कनेक्शन लेना है तो BSES राजधानी में आप इस ईमेल आईडी पे मेल करेंगे, ठीक है। यदि BSES यमुना का कनेक्शन लेना है तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल करेंगे। यदि आपका TPDDL का कनेक्शन ले रहे हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल करेंगे। इनको आप टू में रखेंगे, जब आप मेल करेंगे तो आप इसको टू में रखेंगे। उसके अलावा और मेल में आपको लिखना है कि मेरी कॉलोनी जो है, आप इंग्लिश में डिक्टेट कर लीजिएगा। यदि आपको दिक्कत आए तो मैं आपको एक मेल भी बना के दे दूंगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको एक ईमेल बना के दे दूंगा कि आपको कैसे इसको डिक्टेट करना है। बाकी हो सके तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगा कि कैसे इसको डिक्टेट करना है, ठीक है। आप अपने मेल में लिखेंगे कि मेरी कॉलोनी जो है PM उदय की लिस्ट में आती है, ठीक है। PM उदय की लिस्ट आप यहाँ पे अटैच भी कर सकते हैं। कितने नंबर पे आते हैं, सपोज डेट आपकी कॉलोनी है राजेंद्र पार्क एक्सटेंशन नांगलोई दिल्ली 41, जिसमें कि आप PM उदय की लिस्ट में 22 नंबर पे आती है। और ये 23 क्या लिखा है यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी आपकी कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, सीरियल नंबर ये है, और आपकी कॉलोनी जो है PM उदय की अनऑथराइज कॉलोनीज की लिस्ट में आती है। अब मेल में लिखेंगे तो इसके लिए DDA की NOC की ज़रूरत नहीं है न्यू कनेक्शन के लिए, क्योंकि मेरी कॉलोनी जो है PM उदय की लिस्ट में आती है। इस टाइप से आप एक लेटर को डिक्टेट करेंगे तो प्लीज़ मेरे को बिजली का कनेक्शन दिया जाए, ठीक है। उसमें आप सीरियल नंबर भी मेंशन कर देंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन कर देंगे कि इस लिस्ट के इस सीरियल नंबर और इस रजिस्ट्रेशन नंबर पे मेरी कॉलोनी दी हुई है। बाकी आप अपनी कॉलोनी को हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यह लिस्ट भी लगा देना मेल में, अटैचमेंट में आप ये लिस्ट भी लगा देना, या फिर पर्टिकुलर उस पेज को सिलेक्ट करके उसको मेल बॉक्स में डाल देना, ठीक है। मेल बॉक्स में पेस्ट कर देना तो वो आप मेल करेंगे डिस्कॉम कंपनी को। डिस्कॉम कंपनी में टू में आप ये ईमेल आईडी जो मैंने आपको बताई है उसको रखना है। उसके बाद सीसी में आप रखेंगे ये DDA का ईमेल आईडी दिया हुआ है ना, डिप्टी डायरेक्टर LPDDA@gmail.com, इसको आप CC में रखेंगे। और CC में आप DERC को भी रखेंगे, ठीक है। DERC का ईमेल आईडी ये है, आप इसको भी CC में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप चीफ मिनिस्टर दिल्ली को भी CC में रखेंगे, CMDelhi@nic.in, ठीक है। टू में रखना है डिस्कॉम कंपनी को, CC में रखना है DERC को, CM दिल्ली को और DDA को। और मेल में लिखना है दिस इज इन रेफरेंस टू माई न्यू कनेक्शन। आप वहाँ पे अपना न्यू कनेक्शन से रिलेटेड जो आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ होगा, रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ होगा, वो लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे DDA NOC हैज बीन डिमांडेड फॉर द न्यू कनेक्शन इन PM उदय अनऑथराइज कॉलोनी लिस्ट, माई कॉलोनी फॉल्स ऑन सीरियल नंबर दिस, रजिस्ट्रेशन नंबर दिस, माई कॉलोनी नेम इज दिस, सो प्लीज प्रोवाइड मी न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एज सून एज पॉसिबल, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ DDA NOC फॉर द पर्टिकुलर कॉलोनी, सो काइंडली प्रोवाइड मी द न्यू कनेक्शन एज सून एज पॉसिबल। और इस कॉलोनी की लिस्ट आप उस मेल के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप अपनी बिजली कंपनी को सेटिस्फाई भी तभी कर पाएंगे ना जब आपके पास PM उदय योजना के तहत आने वाली कॉलोनीज की लिस्ट होगी। तो इस लिस्ट को मैं आपको मेल के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे मेल करके इस लिस्ट को मांग सकते हैं। आपके मेल आने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको यह लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। दूसरा स्टेप है, आप इस लिस्ट को लेके जाइए डिस्कॉम कंपनी में अपनी, यानी कि अपने बिजली दफ्तर में जाइए, भाई दिखाइए कि मेरी कॉलोनी तो PM उदय के लिस्ट में आती है। यहाँ पर डिस्कॉम कंपनियाँ आपको जानबूझ के परेशान नहीं कर रही, उनका क्या है कि वह सेफ साइड ले रही है कि भाई गलती से भी कोई इलीगल कनेक्शन ना हो जाए, यानी कि इलीगल कॉलोनी में कनेक्शन ना चला जाए, क्योंकि बाद में कहीं हमें भुगतान ना करना पड़ जाए, पता चले हमारे ऊपर ही DDA ने केस कर दिया। इसलिए ये सभी को इस टाइप का DDA का NOC लाने के लिए बोल दे रहे हैं। तो थोड़ा आपको जाके उनको सेटिस्फाई करना होगा, बताना होगा कि मेरी कॉलोनी जो है PM उदय के तहत कवर्ड होती है, तो मुझे NOC की ज़रूरत नहीं है। बाकी मेल का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। तीसरी चीज़, आप LG लिस्निंग या फिर PGMS दिल्ली पे कंप्लेंट डाल सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी जो PM उदय की लिस्ट है, जिस पेज पे आपका कॉलोनी का नाम लिखा हुआ है, वो अभी आप साथ में अटैच कर सकते हैं और रेफरेंस में डाल सकते हैं
कि मैंने पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, मेरी कॉलोनी पीएम उदय के अंडर में कवर होती है, मेरा सीरियल नंबर यह है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यह है, यानी कि जो लिस्ट में जो भी लिखा हो, तो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए। इस टाइप से आप लिख सकते हैं एलजी लिसनिंग या पीजीएमएस दिल्ली पे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा डीडीए का जो लेटर हमने देखा था उसमें हमने एक एड्रेस देखा था पीतमपुरा का, आप वहाँ पे एक लेटर बना के भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट से। ऐसे मत जाना, ऐसे जाओगे तो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे वो लोग, ठीक है ना। स्पीड पोस्ट से एक लेटर भेज सकते हैं कि भाई मेरी कॉलोनी जो है पीएम उदय के अंडर में कवर होती है और मेरे को डिस्कॉम कंपनी ने मेरे को पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन नंबर के अगेंस्ट में मेरे को कनेक्शन देने से मना कर दिया क्योंकि डीडीए की एनओसी की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे एनओसी प्रोवाइड करें, या फिर डिस्कॉम कंपनी को बताएं कि हमारी कॉलोनी जो है, ये पर्टिकुलर कॉलोनी जो है पीएम उदय के अंडर में कवर करती है, तो वे लोग इसको शॉर्ट आउट करेंगे। तो ये 4-5 स्टेप मैंने आपको बताया, इन्हीं स्टेप को अपना के आपको अपनी डिस्कॉम कंपनियों को सेटिस्फाई करना होगा कि आपकी कॉलोनी जो है इलीगल नहीं है, पीएम उदय की कॉलोनी के लिस्ट में आती है। ये सभी स्टेप्स मैंने आपको इसलिए नहीं बताए कि आपको डीडीए का एनओसी मिल जाएगा, डीडीए तो एनओसी देगा नहीं, आपको इसलिए बताया कि डीडीए की एनओसी के प्रोसेस को बाईपास करने के लिए डिस्कॉम कंपनियां आपको कनेक्शन दे देंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ यही है कि वो थोड़ा सेफ साइड ले रही हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई डीडीए का एनओसी क्या पता लाई दे, लेकिन डीडीए का एनओसी लाना है कोई मजाक नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, आप परेशान होते रहेंगे, और लेना भी है तो आपको 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा लग जाएगा अननेसेसरी का, और वो भी जहाँ पे आप जाएंगे पीतमपुरा वगैरह यदि जाते हैं तो वहाँ पे आपको खुद बता देंगे सारा प्रोसेस, आप वहाँ पे जाके एक बार कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो एड्रेस डीडीए के लेटर में लिखा हुआ है उस पे भी आप जाके अपनी बात रख सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई क्या प्रोसेस है, वो लोग बता देंगे। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।